हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक शिक्षक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कोई भी कैंडलस्टिक कैसे बनता है। अगर आपको पता चल जाए कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि ये कैंडलस्टिक कैसे काम करेगा। मेरा मानना ये है कि अगर कोई चीज़ मूवमेंट करती है और अगर आपको पता चल जाए कि इस चीज़ में ये मूवमेंट क्यों हुआ, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो चीज़ किस डायरेक्शन में मूव करेगी। सो कैंडलस्टिक के बारे में भी सेम प्रिंसिपल हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि कैंडलस्टिक कैसे बनता है। काफ़ी आसान भाषा में आपको सीखने को मिलेगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप वीडियो को पहले लाइक कीजिए, आप वहाँ पर कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई क्वेरी है अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि हर वीडियो में हम लोग एक कोट देखेंगे जो कि मैं रिलेट करूंगा जिसको मार्केट के साथ। तो इसमें हम लोग आज का कोट देखने वाले, डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है डिसिप्लिन, जिसका इम्पोर्टेंस हर एक ट्रेडर को पता होना चाहिए कि जो भी हम लोग कुछ करने जा रहे हैं ये कोई छोटी चीज़ नहीं। स्टॉक मार्केट इज वेरी डिसिप्लिनड थिंग, और आपको उसको डिसिप्लिन के साथ ही ट्रीट करना है, समझना है और उसको एक्सेस करना है। सो डिसिप्लिन चाहिए, तभी आपका जो डिफरेंस है, जो गैप है गोल्स और अकम्प्लिशमेंट के बीच में। गोल्स मतलब आपका एक टारगेट सेट है कि मुझे एक साल में 2 लाख रुपए अर्न करने हैं, और इसको अचीव करना ये होता है आपका अकम्प्लिशमेंट। सो ये कब पॉसिबल होगा कि आपने टारगेट रखा 2 लाख का और ये आपने अकम्प्लिश किया। आपने एक साल का यहाँ पे टारगेट रखा था तो एक साल में ये अकम्प्लिश किया, तो ये कैसे पॉसिबल है? विथ डिसिप्लिन ओनली। विदाउट डिसिप्लिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में डिसिप्लिन के साथ शांति से दिमाग लगा के जो ट्रेड करेगा वही मार्केट में टिकेगा। सो ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले कि कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, कैंडलस्टिक कैसे बनते हैं। आपने जो कैंडलस्टिक देखे वो कुछ इस तरह से आपको दिखते हैं, राइट? एक तो ग्रीन कलर का कैंडलस्टिक दिखेगा, ये बीच में फील्ड रहता है इस तरह से, राइट? या फिर आप देख सकते हैं दूसरा कैंडल टाइप होता है रेड कलर का, वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। सो इसकी मीनिंग क्या होते हैं ये आपको शायद से पता है, मैं रिवाइज कर देता हूँ। ये होता है बुलिश कैंडल, ग्रीन वाला होता है बुलिश कैंडल, और ये होता है बेयरिश कैंडल। इसका मीनिंग ये होता है कि बुलिश कैंडल में जो मूवमेंट रहा वो पॉजिटिव साइड मूवमेंट रहा, मतलब अपसाइड मूवमेंट रहा। बेयरिश कैंडल में मूवमेंट जो रहा वो रहा नेगेटिव साइड, जो कि रहा डाउन साइड। ओके, सो ये बेसिक टाइप से कैंडल के। उसके बाद कैंडल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर ये कैंडल में कुछ इस तरह से ड्रॉ करूँ आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, और कुछ ऐसा उसके साथ स्टिक्स दिखेंगे। सो ये इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। ये जो आप बॉडी देख रहे हैं इसे हम लोग कहते हैं बॉडी ऑफ द कैंडल, और ये जो आप स्टिक्स देख रहे हैं ऊपर के साइड में नीचे के साइड में, इन्हें कहा जाता है विक्स, या फिर इन्हें कहते हैं शैडोज। इन्हें क्या कहते हैं? शैडोज। और इस कैंडल्स के कुछ लेवल्स भी होते हैं दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको 4 लेवल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये होता है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4। सो ये मैटर करेगा कि कैंडल का कलर कौन सा है। अगर इस कैंडल का कलर आपका ग्रीन है तो आपके लेवल्स कुछ इस तरह से वैरी होंगे। ये इस कैंडल का रहेगा ओपन, ये रहेगा लो, ये रहेगा हाई, और ये रहेगा क्लोज। ओके, सो इसमें हाई और लो जो है वो एज इट इज रहेंगे, चेंज होगा ओपन या क्लोज। वो भी किस पे मैटर करेगा? कैंडल के कलर पे मैटर करेगा। कैंडल अगर आपका हो जाता है रेड, ये वाला कैंडल अगर आपका होता है रेड, तो आपके जो ओपन एंड क्लोज है वो आपके लोकेशन चेंज हो जाएंगे, वो कुछ रहेगा इस तरह से। ये रहेगा आपका ओपन और ये रहेगा आपका क्लोज इस तरह से, ठीक है? सो ये तो आपको पता है, ये नॉलेज आपको काफी सारे लोगों को ऑलरेडी पता है। मैं जो यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं ये कैंडल कैसे फॉर्म होता है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पर कैंडल ड्रॉ करके दिखाऊंगा। पहले साइड में हम लोग कॉर्नर में एक छोटा सा कैंडल ड्रॉ करके देखते हैं, और इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैंडल क्यों बना, ऐसा कैंडल कोई भी क्यों बनेगा, राइट? सो स्टार्ट करते हैं। सो ये कैंडल का जो ये जो पॉइंट है ये है आपका स्टार्ट, या इसे ही हम लोग कहते हैं ओपन। तो एज्यूम करके चलिए ये 5 मिनट का कैंडल है जो कि स्टार्ट हुआ है 10:05 पे, और ये खत्म होगा 10:10 पे। सो 10:05
पांच मिनट में एक्यूरेटली 10:05 पे ये कैंडल कुछ यहां से ओपन हुआ, इसका एज्यूम करके चलेंगे ये वैल्यू चल रहा था 110 का, वैल्यू चल रहा था 110 का, यहां से ये ओपन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल ने धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट किया, ऊपर के डायरेक्शन में इसने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया। तो 10:05 में जो 110 पे था वो ऊपर जाते 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 यहां तक गया 115 तक, कहां तक गया 115 तक। अभी तक टाइम खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, 5 मिनट खत्म नहीं हुए, लेकिन बीच में क्या हुआ, इसमें आया है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, ये यहां से ऊपर जाके यहां से नीचे मुड़ गया वापिस, ठीक है। सो ये नीचे 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 आके कुछ इस तरह से यहां तक नीचे आ गया, ऐसा ज़ूम करके चलेंगे कि ये आ गया था 108 तक, ऐसा ज़ूम करके चलेंगे 108 तक नीचे आया था। अभी भी टाइम खत्म नहीं हुआ है, लेकिन वापस बुलिश मोमेंटम की वजह से ये यहां से इसने वापस यू टर्न लिया और ये यहां पे आके खत्म हो गया। इसको हम लोग पकड़ के चलते 113 पे, यहां पे बच चुका था आपका 10:10, यहां पे बच चुका था 10:10। सो रिवाइज करता हूं, यहां से स्टार्ट हुआ, यहां तक ऊपर गया, वापिस यहां से नीचे आया और फिर से रिकवर होके ऊपर यहां पे आके रुक गया इस लेवल पे। तो इन लेवल्स को अगर मैं कनेक्ट करने की कोशिश करूं तो यहां से जो मेरा कैंडल स्टार्ट होता है वो मेरा चलेगा यहां तक, राइट। और बचा हुआ जो कुछ आपको दिख रहा है वो है शैडोज, शैडोज ओपन यहां पे हुआ है आपका, क्लोज यहां पे हुआ है आपका। तो एक्चुअली 10:05 पे 110 था स्टॉक का प्राइस, वही स्टॉक का प्राइस 113 पे क्लोज हुआ इस इंटरवल के बीच में, कौन से इंटरवल के बीच में, इस इंटरवल के बीच में ये क्लोज हुआ। कितने रुपए का मूवमेंट हुआ, 3 रुपए का, +3 का यहां पे मूवमेंट हुआ। लेकिन इसने इस 5 मिनट में एक जर्नी किया था जिसका लो था 108 और जिसका हाई था 115। इस वजह से ये कैंडल कुछ इस तरह से बन रहा है कि ये ग्रीन वाला बॉडी है इसका और ये दोनों इसके वीक्स है। ये हो गया दोस्तों एक तरीका, ये सेम कैंडल दूसरे तरीके से भी बन सकता है, ये सेम कैंडल बन सकता है और एक तरीके से, कैसे वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि पहले इसमें हमने देखा था कि ये कैंडल पहले ऊपर गया था फिर नीचे आया वापस ऊपर जाके क्लोज हुआ। दूसरा एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये कैंडल जैसे यहां से ओपन होता है, यहां से ये सीधा पहले नीचे चला गया, ये पहले नीचे चला गया, ओपन हुआ था 110 पे, ये नीचे चला गया 108 तक, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, बुल्स ने एक जोर लगा के इसको वापस ऊपर भेज दिया, कहां तक भेज दिया 115 तक। लेकिन थोड़ा बियर्स का मोमेंटम था तो उन्होंने वापस थोड़ा सा खींच के इसको नीचे यहां तक लाया, ये 113 पे और 10:10 पे यहां पे उसने क्लोज कराया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपका ग्रीन कैंडल इस तरह से बन सकता है यहां से लेके यहां तक, और जो इसके वीक्स है वो बनेंगे कुछ इस तरह से यहां तक। तो ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आउटकम जो है दोनों केसेस का वो सेम है कि 10:10 पे ये क्लोज हुआ 113 पे, जो ओपन हुआ था 10:05 पे 110 रुपए के वैल्यू के साथ, और इसका आउटकम निकला कि +3 रुपीज का गेन यहां पे हुआ इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, इस 5 मिनट के ड्यूरेशन में। सो इस तरह से ये कैंडल यहां पे बनता है दोस्तों। सिमिलर वे अगर ये रेड कैंडल यहां पे मैं कंसिडर करके चलूंगा, कोई भी एक कैंडल मैं पकड़ के चलता हूं कि सपोज एक रेड कैंडल बना था कुछ इस तरीके से, ये रेड कैंडल है, राइट। तो ये कैंडल किस तरह से बना वो हम लोग देखेंगे। 10:05 पे ये स्टॉक चल रहा था 113 रुपए पे, जबकि ये ओपन हुआ, वहां से ओपन होने के बाद पहली पॉसिबिलिटी ये है कि पहले वो ऊपर गया थोड़ा सा 115 तक, लेकिन वो क्लोज नहीं हुआ 5 मिनट में, बियर्स ने नीचे लाया उसको यहां तक लेके आए 108 तक, लेकिन थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम था तो वापस थोड़ा सा ऊपर लेके कोशिश की रिट्रेस करने का, और 110 पे ये कैंडल खत्म हुआ 10:10 पे। सो इस वजह से ये कैंडल बनता है कुछ इस तरह से, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं, ये इस तरह से ये कैंडल बनेगा कुछ इस तरह से ये कैंडल। सो इसका आउटकम क्या निकला,
दस बज के पांच मिनट पे स्टॉक की प्राइस थी 113 रुपए, 10:10 पे क्लोज हुआ 110 रुपए के साथ। दैट मीन्स कि ये कैंडल ने -3 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिया 5 मिनट में, जो टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं 5 मिनट में, जो कि स्टार्ट हुआ था 10:05 पे, खत्म हुआ 10:10 पे। जैसे कि हमने ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल में देखा कि दो तरीके से ये कैंडल बन सकता है, तो बेरिश में भी सेम वही फिनोमेना हम लोग यूज कर सकते हैं कि जो आपका कैंडल है वो स्टार्ट हुआ आपका यहां से 10:05 पे, पहले वो सीधा डायरेक्टली नीचे चला गया 108 तक, फिर यहां से रिट्रेसमेंट लेके वो चला गया पूरा ऊपर 115 तक, और वापस उसको खींच के क्लोज किया गया 110 पे। तो इस केस में जो जर्नी है वो काफी बड़ा है। दूसरी जो पहली जो केस हमने देखी उसमें जर्नी कुछ इस तरह से होता, एक शॉर्ट जर्नी नीचे जाके एक शॉर्ट जर्नी। तो यहां पे पाथ बड़ा दिख रहा है, यहां पे पाथ छोटा दिख रहा है, दोनों की मैं बात कर रहा हूं, ग्रीन कैंडल रेड कैंडल दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अभी एक यहां पे मैं पहले ये क्लोज कर देता हूं टॉपिक की, ये कैंडल कुछ इस तरह से बनेगा आपका, और इसका जो वीक है वो कुछ इस तरह से रहेगा आपका कैंडल, दोनों केस में, इस केस में भी इस केस में भी। लेकिन मुझे जो चीज बतानी है कि इस केस में जो पाथ है वो छोटा है और इस केस में जो पाथ है वो बड़ा है। सो इसका मतलब ये दोनों का आउटकम सेम है कि -3 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा थी, यहाँ पे वोलेटिलिटी ज्यादा थी और यहाँ पे वोलेटिलिटी कम थी, स्लो मूवमेंट हुआ क्योंकि दोनों ने 5 मिनट का ट्रैवल किया, दोनों ने सेम डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल किया, लेकिन इसका पाथ काफी बड़ा रहा, इसका पाथ काफी छोटा रहा। पाथ बड़ा इसका मतलब चेंज जो प्राइस का रहा वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, सडन चेंज हो रहा था, यहाँ पे वो स्लोली चेंज हो रहा था। सो कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप देखने की कोशिश करेंगे चार्ट पे तो आपको उसका आउटकम इसी तरह से निकालना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक कैंडल दिखाना चाहूंगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का आज का ये 4th February का मैं चार्ट दिखा रहा हूँ, और ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, जो फर्स्ट कैंडल है जो कि जो कैंडल है जो 1 बजे बना हुआ ये कैंडल है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कैंडल का जर्नी कैसा रहा? सो ऑब्वियसली 1 बजे ये कैंडल स्टार्ट हुआ यहाँ से, जो कि खत्म हुआ यहाँ पे 1:05 पे, राइट। सो किस तरह से ये इसने ट्रैवल किया सब वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ये इसका बनता है ओपन, ये इसका रहेगा क्लोज, ये इसका हाई, और ये जो लेवल है ये है इसका लो। सो यहाँ से इसने जर्नी स्टार्ट किया, जर्नी स्टार्ट करने के बाद पहले ये, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सो दोस्तों इस कैंडल के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूंगा कि एग्जांपल के तौर पे हम लोग इसको देखेंगे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ये यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, जो 1 बजे का कैंडल है उसका मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा एक्सप्लेनेशन, इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। इस कैंडल में हम लोग देखेंगे ये 5 मिनट में कैसे जर्नी ट्रैवल हुआ। तो ये 4 लेवल्स हम लोग पहले यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। रेड कैंडल है तो ये रहेगा इसका ओपन, ये रहेगा इसका क्लोज, ये रहेगा इसका लो और ये रहेगा इसका हाई। ओपन ये कैंडल हुआ 1 बजे और क्लोज ये कैंडल हुआ 1:05 पे। ये 5 मिनट का जर्नी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे किस तरह से इसने कंप्लीट किया। तो जहाँ तक हमें दिख रहा है यहाँ से ये कैंडल स्टार्ट होता है, स्टार्ट होते ही पहले ये कैंडल ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था, वापस यहाँ से बियर्स ने उसे नीचे खींच लाया पंजा मार के यहाँ तक, और यहाँ से लेके बुल्स ने थोड़ा ट्राई किया तो यहाँ पे जाके इसका जर्नी खत्म हुआ। तो जर्नी की हम लोग बात जो कर रहे हैं तो यहाँ से जर्नी स्टार्ट होता है, यहाँ पे जर्नी इसका खत्म होता है 5 मिनट में, कुछ इस तरह से इसने ट्रैवल किया। दूसरा जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ इस तरह से है कि जैसे ही स्टॉक ओपन हुआ 1 बजे ये कैंडल स्टार्ट हुआ, तो पहले वो यहाँ से पूरी तरह से नीचे चला गया, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, यहाँ से पूरी तरह से वो नीचे चला गया यहाँ तक, यहाँ से रिकवरी लेके गया ऊपर तक जो इसका हाई है वहाँ तक, और फिर से नीचे आके यहाँ पे ये क्लोज होता हुआ। तो ये जर्नी अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करके खत्म होता है यहाँ पे। तो इस केस में मैं कहूँगा कि वोलेटिलिटी ज़्यादा हो सकती है अगर ये केस से वो एग्जीक्यूट हुआ है, क्योंकि मैंने तो लाइव देखा नहीं था, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ।
सो आपको जो चीज समझनी है वो ये समझनी है, अगर आप लाइव देख रहे हो, अगर आप कंटिन्यूसली 1 बजे से लेकर 1 बजे तक 5 मिनट तक अगर आप लोग देख रहे थे, तब आपको पता चल जाएगा कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी या कम थी। कैसे पता चलेगा कि ट्रैवल कैसे किया है। दो तरीके से ट्रैवल हो सकता है, जो पहला तरीका है उसमें वॉलेटिलिटी कम है, इस तरीके से वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। सो आपको इस तरीके से कैंडल स्टिक सीखने हैं। आपको मार्केट में कम से कम दिन में 10 से 15 कैंडल स्टिक्स अगर आप लाइव देखेंगे और फिर अगर आप कंक्लूजन निकालेंगे, तो आपको काफ़ी आसान रहेगा समझने में कि मार्केट किस डायरेक्शन में कैसे किस तरह से मूव करने वाला है। कैंडल स्टिक आपसे बात करती है, आपको उसकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और यही उसकी लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो कैंडल स्टिक का। सो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।